सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के पीएम के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया, जिसका जवाब केंद्र सरकार ने भी दिया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक फ्री वैक्सीनेशन को सेंट्रलाइज करने की योजना 1 जून को ही पीएम मोदी के सामने रखी गई थी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि पीएम ने मीटिंग में इस योजना को मंजूरी भी दे दी थी और उसी दिन से इस प्लान पर काम शुरू हो गया था और सोमवार को इस बारे में ऐलान किया गया। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को सुनवाई हुई थी, जबकि सूत्रों के मुताबिक इससे पहले ही बैठक में सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जो इस मुद्दे पर सियासत हो रही है और ये अब स्पष्ट किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि पहले ही मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। बिल्कुल, 1 तारीख को एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री खुद बैठे थे, उसमें सबको मुफ्त टीका देने की योजना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको प्रधानमंत्री ने मौखिक रूप से मंजूरी दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार से पूछा था कि सबको सबके टीकाकरण के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार को जवाब भी देना था। तो एक खाका सरकार के पास तैयार था, जब विपक्ष ने बहुत ज्यादा आवाज उठानी शुरू कर दी और दवा की बर्बादी से लेकर दवा के इस्तेमाल न होने के आरोप लगने लगे और कई राज्यों से ये रिपोर्ट आने लगी, तो ये फैसला प्रधानमंत्री ने किया है और ये एक बड़ा फैसला है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का। पूरे 18 वर्ष से ऊपर के सब लोगों को मुफ्त टीका देने की सरकार की योजना है, जो काफी अब जनजन तक पहुंचेगी और लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल अमिताभ, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार को अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। देखिए, ये पॉलिसी तो चल ही रही थी, सरकार तो पहले भी मुफ्त टीके दे रही थी और राज्यों को अपने अपने कोटे का डोज वैक्सीनेशन का डोज दे रही थी। 16 जनवरी से एक बहुत बड़ी योजना शुरू हुई, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की योजना, जिसे सबसे बड़े आबादी को कवर किया जाएगा। तो तब भी सर केंद्र सरकार मुफ्त की दवा सबको दे रही थी, जो 45 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग हैं सबको मुफ्त की दवा दे रही थी और प्रायोरिटी भी तय की गई थी कि पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को मिलेगा, ये तमाम चीजें थी। और प्रधानमंत्री ने कहा, साफ तौर पर कहा है कि ये बातें, तमाम बातें और जो प्रायोरिटीज थी किनको पहले दिया जाएगा, ये तय की गई थी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद, सांसदों और तमाम संसदीय दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद, सबके सहमति के बाद यह तय हुआ था। इसलिए किसी को निंदा करने का और सवाल उठाने का इस पर कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल अपने राष्ट्र के नाम संदेश में भी कहा है, इसलिए ये जो निजी अस्पताल खरीदेंगे, ये भी योजना पहले से चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये अब सुनिश्चित कर दिया है कि 18 वर्ष के सब ऊपर के सब का खर्च का वहन मुफ्त टीकाकरण की योजना अब केंद्र सरकार वह करेगी, मोदी सरकार उसको सबको टीके दिलवाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल भी चल रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे। तमाम जानकारियां मिली है और केंद्र सरकार ने विपक्ष को जवाब भी दिया है।